स्टेट स्पेस का तो पता लग गया होगा कि स्टेट स्पेस क्या होती है, ठीक है। आपको अगर कोई ABCD मैट्रिसेस कहेगा तो आपको पता होगा कि बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम ये कह रहे हैं कि कोई भी सिस्टम, डायनामिक सिस्टम, जो डिफरेंशियल इक्वेशन से प्रेजेंट किया जाता हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, उसको हम ABCD की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात तो इस्टेब्लिश होगी। अब हम इससे आगे चलेंगे, उन ABCD को हम यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। ये टॉपिक है Chapter 3 का, ठीक है। और क्या डेट है, 16 था, ओके। तो हम ये स्टार्ट हम यहां से लेते हैं कि हमने ये चीज एस्टेब्लिश कर ली कि कोई भी लीनियर सिस्टम को हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर नॉन लीनियर सिस्टम है तो फिर क्या करेंगे, ये लीनियर सिस्टम के लिए और नॉन लीनियर सिस्टम के लिए जनरल जो टर्मिनोलॉजी है या सिंबल्स हैं वो इस तरह है, एक्स डॉट एफ ऑफ, लेकिन हम सारा फोकस इसी पे रखेंगे, ठीक है। इस पे हम काम नहीं करेंगे, दिस इज नॉट इन कोर्स, ठीक है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है ये क्या चीज है, राइट। अच्छा, अब इसमें आपको पता है कि ये इनपुट है, ठीक है, ये स्टेट है और ये आउटपुट, और आपको ये भी पता है कि अगर हमें स्टेट पता है तो उससे हम आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। और स्टेट्स अगर हमें पता है तो हम देख सकते हैं कि आगे सिस्टम कैसे इवॉल्व होगा या ऐसे प्रोग्रेस करेगा, ठीक है, सिस्टम आगे कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि स्टेट के बगैर हम नहीं बता सकते कि आगे सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, या हमें स्टेट्स और इनपुट लाजमी चाहिए उसके लिए, ठीक है। हमें वाई नहीं चाहिए, हमें एक्स चाहिए, ठीक है, एक्स और यू दोनों हमें लाजमी चाहिए, ठीक है। सो एक्स एंड यू आर मस्ट टू फाइंड न्यू स्टेट्स, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब स्टेट्स कैसे फाइंड की जाए, ठीक है। लेट्स से कि हम कहते हैं कि हमने स्टेट्स का नॉलेज हासिल करना है और हमें ABCD मैट्रिसेस पता है, तो हाउ टू गेट टू स्टेट्स। तो जो स्टेट का नॉलेज है बेसिकली वो क्या होगा, एक्स ऑफ टी, ठीक है, यही होगा ना, इसको हम डायनामिक रेस्पॉन्स कहते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सिस्टम से चलते हैं, स्टार्ट विद अ सिंपल सिस्टम, स्टार्ट विद इनपुट लेस सिस्टम, ठीक है, नो इनपुट। ऐसे सिस्टम को ऑटोनॉमस सिस्टम भी कहते हैं, इसका मतलब है कि u इज इक्वल टू जीरो, दैट वुड मींस x डॉट,
अब इस पे हमने बताना है कि इसमें सॉल्यूशन कैसे आएगा, ठीक है। इसका बेसिकली अगर हम बात करेंगे x ऑफ t कैसे निकालना है, तो हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपने पहले बहुत दफ़ा किया हुआ, सिर्फ आपने मे बी मैट्रिक्स फॉर्म में ना किया हो, लेकिन आपने स्केलर फॉर्म में किया होगा, ठीक है। स्केलर फॉर्म में सॉल्यूशन इसका क्या आता है, अगर मैं कहूँ कि जी मेरे पास स्केलर एक्स है, सम ए एक्स है, इसका सॉल्यूशन क्या आता है, याद है किसी? कोई ऐसी चीज नहीं आती, पर एटी, ठीक है, ऐसी चीज ही आती है, माइनस आएगा ये प्लस आएगा जो भी आएगा, बहरहाल आपके पास एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में सोल्यूशन आता है। हम कैसे साबित करेंगे कि ये सोल्यूशन है, कैसे बताएंगे कि ये वाकई इसका सोल्यूशन है, इससे क्या मुराद है? अगर हम कहते हैं कि जी x ऑफ t ये वाला ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे? खामोशी, क्या करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका डेरिवेटिव ले लें, क्या आएगा? ए सी इस पर एटी, ये आ गया है ना। और हमने कहा हुआ है कि ये क्या चीज है, ये x of t है, तो क्या आ जाएगा, x डॉट, ये वही इक्वेशन आ गई, क्या ख्याल? ठीक है, ये बात समझ आई? बल्कि आप लोगों को शायद पहले पता थी, सिर्फ हमने रिवाइज ही किया है। अगर आपको स्केलर में ये बात समझ आती है, तो वेक्टर्स में या मैट्रिसेस में प्रीटी मच ऐसे ही होता है, ठीक है, इसी तरह ही इसका सलूशन आता है। तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि x ऑफ t इस केस में है। ये कोई अननोन सी है, ठीक है, ए हमें पता है, टी धार है, टाइम है, और ये अब एक मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल है, दिस इज अ आप कैसे बताएंगे कि वाकई यही सोल्यूशन है इसका, क्या कहते हैं? उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल डिफाइन कैसे होता है। अगर स्केलर होता, स्केलर एक्सपोनेंशियल कैसे डिफाइन होता है? अगर मैं यहाँ ई रेस टू पावर ए टी लिख दूं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सपोनेंशियल वाली सीरीज याद है किसी? सीरीज नहीं, क्या बात है, आज बिल्कुल ही माउफ हैं आप सारे। याद आया, इसको आप लोग क्या कहते हैं, सीरीज नहीं होती है? हाँ, बनोमियल तो नहीं, बनोमियल नहीं, एक्सपोनेंशियल को आप इस तरह लिख सकते हैं, ये मुझे पता है, बस आप लोग इसको सीरीज नहीं कहते या कुछ और कहते? तो
very similar manner, you can always write matrix exponential as I, जो के identity matrix है, plus AT plus AT square over 2 factorial plus AT cube over 3 factorial and so on. ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब नाउ इट रेस्ट्स अपॉन अस के हम प्रूव करें, जैसे वहां किया था, कि एक्स ऑफ टी वाकई ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग वी हैव टू डू इट अगेन। सो एज वी डिड देयर, हमने वहां पे एक्स डॉट निकाला था, है ना? नहीं, तो लाइकवाइज हम यहां भी एक्स डॉट निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए अब हमारे पास x ऑफ t क्या है, हमने अज्यूम क्या किया हुआ, e raised power at times some c vector। ठीक है, इस केस में हमें पता था कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने उसका फायदा उठाया। अच्छा, लिख ले इस केस में हमें पता था कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने उसका फायदा उठाया और हमने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिया। वहां पे अभी हमें नहीं पता। ठीक है, तो वो उसको हम सीरीज से करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो सीरीज में इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां तक किसी को नहीं समझ आई थी, क्लियर? अब अगला स्टेप क्या है, हमने डेरिवेटिव लेना है ताकि हम देख सकें कि x डॉट किसके बराबर है, फिर उसको उस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं या नहीं। दिस इज समथिंग वी वांट टू फाइंड आउट। तो लेट्स टेक डेरिवेटिव विद टाइम। अच्छा, इसका डेरिवेटिव i का क्या होगा? हाँ, एक और चीज देखें, ये फंक्शन आपका टाइम का, ये टाइम का फंक्शन है, ये जो ब्रैकेट्स में है। व्हाट अबाउट दिस, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको सिर्फ साथ लिख देंगे, तो डेरिवेटिव इसके अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में। तो पहले इस पे आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दिस आर एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, दिस आर जीरो, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ए आएगा क्योंकि टी पे डिफरेंशिएट होगा और टी का डेरिवेटिव वन होता है, ए आ गया इसमें, इसमें टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, टू टी, टू इंटू ए, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट स्केलर है इसलिए बाहर आ सकता है, टू ए टी ओवर टू इंटू वन, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और इससे आगे क्या आएगा, ठीक है, सॉरी, ए क्यूब थ्री टी स्क्वायर ओवर थ्री टू वन
याद है। अब एक काम करें, आप इन सब में से एक कॉमन ले ले, ले सकते हैं ना? तो क्या आएगा? ए, इसको तो आप डिस्कार्ड कर दें, यहाँ पे आइडेंटिटी आ गया, या ए स्क्वायर टी, इसको टी या ए टी आएगा, सॉरी ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर टू, ठीक है। क्या हुआ, क्या पूछ रहे हैं? आई कैसे आया? देखे ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना? तो इसमें से ये बाहर ले लिया तो आई बच गया, ठीक है? नहीं, ये क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ, मतलब बेसिकली यहाँ हाँ वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके साथ अगर सेकंड ऑर्डर है तो ये क्लियर। अच्छा, अब वही पहले वाला ट्रिक, ये क्या चीज है? ये ई रेस्ट पार एटी है, वेरी गुड। तो हम इसको लिख लेते हैं ई रेस्ट पार एटी इंटू, ये आपने कंट्रोल सिस्टम डिजाइन में किया तो नहीं है? यो? नहीं। अब ये क्या चीज है? ये वो था जिसको आपने x माना था, है ना? तो यहां क्या आ जाएगा, x डॉट इज इक्वल टू a, क्या ख्याल है? डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, अब तो मजबूरी आपको मानना पड़ेगा ये, ठीक है? ठीक है, इसमें सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम कि सी है क्या, सी पे हमने नहीं गौर किया कि क्या है, लेकिन वॉट एवर सी विल बी, वो सोल्यूशन यही रहेगा, ठीक है? सही है, सी हमें किसी और कंडीशन से निकालना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल सोल्यूशन यही रहेगा, राइट? तो इसका मतलब है कि एक ये नई चीज हमने सीखी है कि अगर आपके पास वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका जो सॉल्यूशन है वो एक एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है? ये आज के क्लास में भी हमने एक पहली नई चीज सीखी है, मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल है, लेकिन वो इंटरेस्टिंगली जो स्केलर वाले रिलेशनशिप्स हैं वो उनको प्रीटी मच उस तरह से फॉलो करा है, लेकिन कभी भी आपने इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, ठीक है? कि आपने ये नहीं कहना कि अच्छा स्केलर में ये हो रहा है तो यहां भी ये हो जाएगा, नहीं, यू ऑलवेज हैव टू प्रूव इट, ठीक है? यहां तक किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकता है। अच्छा, आप इस सी का क्या करें? ये वेक्टर है,
बिकॉज देखें इसको, ये भी आप लोगों ने ऐसा सीखना है, अगर ए आपका, इसका क्या मतलब होता है, ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, रैशनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन इंटू एन, ठीक है, तो ए जो है आपका मैट्रिक्स है एन इंटू एन ऑर्डर का, तो ये भी एन इंटू एन का होगा। इसके जवाब में मुझे सारे इतने नजर आने चाहिए, इसके जवाब में आपको ये पूछना चाहिए क्यों, वाई। मैंने कहा था ना आपने कोई चीज खुद ही अज्यूम नहीं कर लेनी हम, ठीक है, अगर ये एन इंटू एन है तो एक्सपोनेंशियल क्यों एन इंटू एन होगा, वो एक और दुखी दास्तान है, उसको भी ना छेड़ो, लेकिन यहां से आ रहा है, ये देखें, ये आपने एक्सपोनेंशियल को डिफाइन कैसे किया, आपने यहां पे एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन ही ये है, ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये आई एन है, ठीक है, इसका मतलब ये एन इंटू एन है, और जब मैट्रिसेस सारे सम हो रहे हैं तो क्या डिफरेंट ऑर्डर्स के मैट्रिसेस सम हो सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें पता लग गया कि ये अगर एन है और ये ए भी एन इंटू एन है, टी स्केलर है, ये भी एन इंटू एन हो गया, और ये भी ऑटोमेटिकली ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी एन इंटू एन हो, तो ये यहाँ से ये साबित होता है कि एन इंटू एन है, ठीक है। अब उधर से आगे चले, ये एन इंटू एन हो गया, ठीक है, ये क्या होगा, अच्छा चले पॉज लेते हैं, ये इसका इसकी क्या डायमेंशन होगी, अगर हमने कहा है कि लेट्स से एक स्टेट्स है ना, एन स्टेट्स है हमारे पास, एन क्रॉस वन, वेरी गुड, अब ये क्या होना चाहिए, फिर जो भी होना चाहिए इससे आंसर क्या आना चाहिए, एन क्रॉस वन, तो आपको पता है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर वाली चीजों को ले लेते हैं, तो इसका ऑर्डर अगर मैं एन इंटू वन रखूं तो ये दोनों मिलके मुझे ये मिला दे देंगे, ठीक है, इस मैट्रिक्स को मैं इसलिए इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसलिए मैंने यह स्केलर नहीं लिया, ठीक है। इनका क्वेश्चन बड़ा अच्छा तो वैलिड था कि ये क्या चीज है, ये वेक्टर है, क्योंकि उसके बगैर डायमेंशन सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है। जब भी आपके सामने कोई मैट्रिक्स इक्वेशन आए, सबसे पहले उसकी डायमेंशन चेक करें, सबसे पहले, अच्छा लेट्स से कोई टाइम था, कमी शैल वी कम बैक टू दिस, हाउ टू फाइंड दिस फैक्टर, ठीक है, लेट्स से के लेट एट टी इज इक्वल टू टाओ, सम टाइम टाओ, ठीक है, स्टेट एक्स ऑफ टाओ इज नोन, ठीक है, नोन से बराबर है, कोई मेजर कर लिया हमने, कोई एस्टिमेट कर लिया, कोई ऐसी चीज कर ली है, राइट, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि जो सोल्यूशन है, अगर मैं उसमें टॉप आउट करूं, अगर मैं उसमें टॉप आउट करूं तो मुझे, मुझे मेरे पास एक्चुअल सोल्यूशन क्या था, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, यही था ना, कहां सोल्यूशन लिखा है, ये सोल्यूशन था ना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू टाउ, तो क्या आ जाएगा, x ऑफ टाउ इज इक्वल टू e रेज टू पावर a टाउ c, क्या हुआ,
अब कम बैक टू द पॉइंट के ये तो मैंने पहले ही कह दिया नोन है, ठीक है, व्हाट अबाउट दिस गाइस, ये नोन है कि नहीं? ए हमें पता है, टाओ पता है, मैं सीधी नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूं है ना, तो मुझे ये भी नोन है, व्हाट अबाउट दिस, ये तो निकालना है। तो अगर आपके पास एक अननोन है और एक इक्वेशन है तो क्या आप निकाल नहीं सकते हैं? निकाल सकते हैं? कैसे? लेट्स स्विच साइड्स, जिन लोगों ने इनवर्स कहा है बिल्कुल सही कहा है, सिर्फ उसमें आपको दो एहतियातें करनी पड़ेंगी। देखें ना, ये एक मैट्रिक्स है एट द एंड ऑफ द डे, तो अगर आप इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इन्वर्स करेंगे तो आपके पास मसला हल हो जाएगा आपका, क्योंकि आपके पास सी आ जाएगा। द प्रॉब्लम इज कैन वी टेक द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स और नॉट, अंडर व्हाट कंडीशंस हम इसके मैट्रिक्स का इन्वर्स ले सकते हैं, और क्या कंडीशंस होती हैं? वेरी गुड, किसका डिटर्मिनेंट? इस पूरी चीज का, यानी कि ये सिंगुलर ना हो, ठीक है? तो लेट जी सॉरी किस तरह सिंगुलर ना हो, क्या मतलब, अंडर व्हाट कंडीशन सिंगुलर नहीं होगा? इसका एक तो बड़ा सादा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा जवाब है कि अगर आपका ना इसमें जीरो आइगन वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है, तो ये सिंगुलर नहीं होगा, ठीक है, या अगर इसमें मतलब इसके पोल अगर जीरो पे नहीं आ रहे सिस्टम के तो सिंगुलर नहीं होगा। लेकिन इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपके आइगन पोल्स रिपीट नहीं होने चाहिए और पोल्स जीरो पे नहीं आने चाहिए, फिर ये फिर उसके बाद नॉन सिंगुलर होगा। तो यहाँ से सी क्या आ गया, तो इसका मतलब है कि मैं ये कह रहा हूँ, ये सिंबल जो होता है देयर एग्जिस्ट का होता है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, जो मैंने आपको कहा था दो कंडीशंस हैं जो आपने चेक करनी है, एक तो सिंगुलैरिटी चेक कर ली, एक और कंडीशन है जो हमने चेक नहीं की लेकिन हमें वो वैसे ही पता है कि वो ट्रू है, वो है कि जब भी आप स्क्वायर ले रहे हैं तो मैट्रिक्स जब भी आप इन्वर्स ले रहे हैं तो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। जब आपने कहा ना कि डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो है तो डिटर्मिनेंट तो आप लेते ही स्क्वायर मैट्रिक्स का, क्योंकि रेक्टेंगुलर का डिटर्मिनेंट लिया आप लोगों ने, देख लें सोच लें शायद कभी लिए ही हो। चले, तो ये अच्छी बात है कि हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिया, तो हम ये कहते हैं कि इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए टाउ इनवर्स एक्स ऑफ टाउ। अब ये सारी चीजें हमारे पास नोन है, यहां से हमारे पास सी आ गया। अब हम दो मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज, एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल की दो प्रॉपर्टीज मेंशन करेंगे और उनको फिर यूज करेंगे, तो थैंक गॉड हम उनको प्रूव नहीं करेंगे।